नमस्कार, मैं हूं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महिला की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसके साथ बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की जमानत रद्द करने का अनुरोध किया गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि यह सहमति से बने संबंध का मामला लगता है जिसमें महिला उस व्यक्ति के साथ होटल में गई और केंद्रीय सुरक्षा बल में और सीमा पर तैनात अपने पति द्वारा भेजा गया वेतन खर्च किया। रूसी सेना अब यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच रही है। ऐसे में अमेरिका ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से कहा है कि वो कीव खाली कर दे, लेकिन उन्होंने अमेरिका के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ दृढ़ता से खड़े रहने की बात कहकर अमेरिकी मदद से इनकार कर दिया है। रूस यूक्रेन विवाद पर अफगानिस्तान में सत्ता संभाल रही तालिबान सरकार ने भी बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान यूक्रेन की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आम नागरिकों की जान जाने के डर से चिंतित है। हालांकि तालिबान के इस बयान पर लोगों ने खूब हंसी भी उड़ाई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनकी सरकार से रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन में फंसे मेडिकल छात्रों को वापस लाने की अपील की है। उन्होंने केंद्र से मेडिकल छात्रों के लिए एक विशेष हेल्प डेस्क स्थापित करने का भी आग्रह किया है। रूस और यूक्रेन के युद्ध का असर भारत में महंगाई पर भी पड़ सकता है और साथ ही इन दोनों देश के साथ व्यापार पर भी असर पड़ना तय माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद भारत में तेल के दाम अभी तक नहीं बढ़े हैं क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट 2022 में हेल्थ सेक्टर के लिए किए गए प्रावधानों पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि ये बजट बीते 7 साल से हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे प्रयासों को विस्तार देता है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम को अपने 30 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को आधुनिक और उम्दा सेवाएं प्रदान करने के लिए जाना जाता है। इसी कड़ी में शनिवार सुबह कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से लेकर पटेल चौक से के बीच में हजारों यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के ट्वीट के मुताबिक कुछ जगहों से कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से पटेल चौक के बीच कुछ देर तक ट्रेन की गति काफी धीमी रही। वहीं कुछ देर बाद डीएमआरसी के ट्वीट से जानकारी दी गई कि मेट्रो ट्रेन का परिचालन सामान्य हो गया है। वर्तमान सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ ने शुक्रवार दोपहर बाद अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। दोपहर बाद हरियाणा के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। उसके बाद कई अन्य राज्यों में भी तीव्र बारिश और गरज चमक के साथ कई जगह ओलावृष्टि भी देखी गई। यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई के बाद उपजी स्थिति को देखते हुए भारतीय वायुसेना ब्रिटेन में अगले महीने होने वाले कई देशों के कोबरा वॉरियर अभ्यास में हिस्सा नहीं लेगी। यह अभ्यास ब्रिटेन में 6 से 27 मार्च तक होना था और इसमें स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान अन्य देश के विमान के साथ भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व करने वाला था। भारत श्रीलंका का मैच आज शाम को शुरू होने वाला है। मैच के लिए भारत और श्रीलंका दोनों की ही टीम पहुंच चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 26 और 27 फरवरी को भारत श्रीलंका T20 सीरीज के होने वाले दो मैच के लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई। हालांकि मैच से पहले ही बारिश ने खलल डाल दिया है। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पहले मैच पर बारिश का साया रहने वाला था। शनिवार 26 फरवरी को सुबह से ही बारिश शुरू हो गई और ये बारिश दिनभर रहने का पूर्वानुमान भी मौसम विभाग ने जारी किया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में भारत से निराश कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि गलत होने पर दोस्तों को बताना चाहिए। इसी तरह शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी भारत को चीन के साथ खड़े होने पर अपनी राय रखी और कहा है कि इससे आपके रिश्ते बेहतर नहीं होते बल्कि हिंसा और मानवाधिकार के उल्लंघन के खिलाफ आपके सिद्धांत कमजोर हो जाते हैं। कल हो सकता है कि हमें चीन के खिलाफ समर्थन नहीं मिल रहा हो। भारतीय स्टेट बैंक समूह की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को रूस और यूक्रेन के बीच घमासान से कच्चे तेल के बाजार में उफान के चलते 95,000 करोड़ रुपए से 1,00,000 करोड़ रुपए तक के राजस्व की हानि हो सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बुलडोजर काफी चर्चा में बना हुआ है। एक और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर लगातार हमला कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के साथ ही सीएम योगी भी अपने बुलडोजर एक्शन को सही बताते हुए जनता का वोट लेने में लगे हैं। इसी बीच अब एक वीडियो वायरल हो रहा है। विधानसभा में शुक्रवार को पेश 2021-22 के इस आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन में पटल पर राज्य का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसके अनुसार राज्य में पिछले 5 साल 2016 से 17 से 2020 से 21 के दौरान कृषि और संबंधित क्षेत्र में 2.1% की दर से वृद्धि हुई है। यूक्रेन रूस की जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत सरकार के विदेश मामलों के मंत्रालय ने यूक्रेन के पश्चिमी राज्य चेरनत्सी, लीव और सेंटर बनाकर छात्रों को बाहर निकालने में जुट गई है।
दिल्ली सरकार ने एक महीने भर के भीतर गड्ढा मुक्त सड़क से निजात दिलाने की बात कही है। साथ ही यदि किसी सड़क के निर्माण में कोई कमी पाई जाती है तो वहां के संबंधित इंजीनियर पर इसकी गाज गिरेगी। दिल्ली के नागरिकों को बेहतर सड़क मिल सके और वो खराब सड़कों को लेकर अपनी शिकायत दर्ज कर सके, इसको लेकर पीडब्ल्यूडी दिल्ली जल्द ही एक ऐप भी लॉन्च करने जा रही है। राजस्थान पुलिस में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। कांस्टेबल के पद पर आवेदन करने के लिए 2 दिन बचे रह गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। चोट के चलते ऋतुराज गायकवाड़ सीरीज से बाहर हो गए हैं। सूर्य कुमार यादव और दीपक चाहर चोटिल होकर T20 सीरीज शुरू होने से ठीक पहले सीरीज से बाहर हो गए हैं। एक और झटका जिसके बाद भारतीय टीम को लगा कि जहां अब एक और खिलाड़ी चोट के चलते सीरीज से बाहर हो गया है। टीम के युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ के कलाई की चोट के कारण धर्मशाला में आज दोनों ही टीमों के बीच दूसरा T20 मैच खेला जाना है, लेकिन शुक्रवार की शाम को सीरीज से बाहर होने की खबर आई जिसके बाद भारतीय टीम दबाव में है। कैंसर का नाम आते ही लोगों के सामने एक लाइलाज बीमारी की तस्वीर उभरती है। कैंसर वैसे तो कई प्रकार का होता है लेकिन इसमें कोलोरेक्टल कैंसर बहुत खतरनाक होता है। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रूस ने अपने हवाई क्षेत्र में ब्रिटेन के विमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस की संघीय वायु परिवहन एजेंसी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। रोसा वियात्सिया द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि शुक्रवार सुबह 11 बजे से ब्रिटेन से किसी भी तरीके की जुड़ी किसी भी उड़ान, यहां तक कि रूस से होकर गुजरने वाली ब्रिटेन के किसी भी विमान के लिए रूस के हवाई क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 3रा दिन है। यूक्रेन रूस के बीच जारी संकट पर चर्चा भी आज सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और हरदीप सिंह पुरी भी शामिल होंगे। रूस यूक्रेन संकट में द्विपक्षीय कारोबार के मामले में भारत पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन तेल के दाम में तेजी आने से अर्थव्यवस्था के समक्ष जोखिम पैदा जरूर हो सकता है। शुक्रवार को जारी बैंक ऑफ बड़ौदा अर्थशास्त्रीय शोध रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है। इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गए हैं। इसके कारण ही स्थिरता और रुपए की गतिविधियों को लेकर जोखिम भरा है। नई सैटेलाइट तस्वीर में कीव के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी कि बेरिस्लिप हवाई अड्डे को दिखाया गया है जो पूरी तरह से सुरक्षित दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके रनवे को वाहनों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है। दिल्ली का बजट सत्र आगामी 23 से 29 मार्च के बीच आयोजित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने बजट सत्र को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी है। सरकार ने बजट सत्र को लेकर इस बार एक नई पहल की है। इसके लिए लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। दिल्ली का बजट कैसा हो और इसमें आमजन से जुड़े किन किन मुद्दों को शामिल किया जाए, दिल्ली का बजट कैसा हो और इस मुद्दे पर अपनी राय देने के लिए सरकार को कुल 5500 सुझाव प्राप्त हुए हैं। रूस और यूरोप के बीच चल रहे युद्ध को लेकर मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी का बड़ा बयान सामने आया है। जो दरअसल हाल ही में हेमा मालिनी ने एक बयान देते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी भी बीच में जाकर युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी यूक्रेन मामले में गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इस घटना में भारत सरकार निश्चित रूप से चर्चा कर रही होगी, मगर पीएम को भारतवासियों को आश्वस्त करना चाहिए कि वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूक्रेन में युद्ध के बीच भारतीय छात्रों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि युद्ध के विभीषिका से जूझ रहे यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के जान बचाने के लिए बंकरों में छिपे होने के दृश्य विचलित करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किश्त का पैसा अभी तक करीब 48 लाख किसानों को नहीं मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2022 को पीएम किसान की 10वीं किश्त का पैसा निकालने के लिए किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया था। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 11,499 नए मामले सामने आए हैं और 255 मरीजों की जांच चली गई है। वहीं कल यानी 25 फरवरी को 13,166 नए मामले सामने आए थे और 302 कोरोना संक्रमितों की जान गई थी। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4,29,5,844 हो गई है और अब तक कुल 5,13,481 मरीजों की जान भी जा चुकी है। आलिया भट्ट की गंगूबाई फिल्म रिलीज के पहले दिन ही काफी शानदार कमाई करती देखी गई। मिली जानकारी के अनुसार पहले दिन ही फिल्म ने 10 करोड़ की कमाई कर ली है, जिसके बाद इस फिल्म को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, फिल्म के रिलीज होने से पहले इस फिल्म को लेकर कई तरीके की बातें कही जा रही थी, कई कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाए गए थे, लेकिन आखिरकार इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया और फिल्म की शानदार ओपनिंग हुई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नन्नू कुमार, प्रिया यादव ऑफिशियल, कुश कुमार यादव, रंजन कुमार, गजेंद्र सिंह, सरोज कुमार,
गौतम कुशवाहा, देवेंद्र कुमार, सिफोन कुमार, विनती कुमारी, अमित कुमार, अजय कुमार, आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुई है या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।